हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के ओवरसीज एजुकेशन। माय नेम इज़ मनी और आज हम बात करेंगे MBBS इन जर्मनी की। तो ये वीडियो अभी रीसेंट वीडियो है जिसमें आप MBBS कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर है और जर्मनी से MBBS क्यों करें। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी कि आप जर्मनी से MBBS क्यों करें, क्यों नहीं रशिया, चाइना या किसी और कंट्री से, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट उसका रिक्वायरमेंट्स कि जब आप MBBS जर्मनी से करें तो क्या क्या एग्ज़ाम्स कैसे कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या उसके प्रोसीजर। MBBS क्यों करना है, राइट? अब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिन्होंने MBBS रोमानिया से किया हुआ है या उन्होंने कजाकिस्तान से किया है या चाइना से किया है और वो इंडिया आके MCI नहीं क्लियर कर पा रहे। दो दो साल हो गए उन्हें MCI क्लियर किए हुए। अब वो हमको बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हमें MD करवा दीजिए जर्मनी से या कहीं और से। तो उनकी रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें। इसीलिए मुझे लगता है कि MBBS वहाँ से करें जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकें। आप इंडिया आना चाहते हैं, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मैं इंडिया आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी कंट्री से MBBS कर रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ मैं प्रैक्टिस वहाँ पे भी कर सकती हूँ, इंडिया आना चाहूँ तो मैं तब भी कर सकती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ जर्मनी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप वहाँ से MBBS करते हैं तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वेयर यू आर हाईली पेड और इंडिया आना आपका खुद का एक डिसीजन रहेगा। वो फोर्सफुल डिसीजन नहीं होगा कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेट्स कम टू इंडिया। दिस विल नॉट बी अ रीज़न, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर आप MBBS जर्मनी से करना चाहते हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट, आपके 12th में अबव 85% होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अबव 90% बोलूँगी, बट अगर अबव 85% है तो आपका MBBS काफ़ी ईजी हो जाएगा जर्मनी से करना, क्योंकि जब आप 12th का जो आपका रिज़ल्ट होता है और जो आपके फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट होता है जिसको हम स्टूडेंट को लीक कहते हैं, उन दोनों ईयर का रिज़ल्ट, क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट दोनों ईयर का कैलकुलेट होता है, फिर आपकी मेडिसिन डिसाइड होती है। अब ये स्टूडेंट को लीक क्या होता है जिसको जर्मनी के बारे में नहीं पता, वो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो वो मैं अब आपको बताऊँगी कि स्टूडेंट को लीक क्या होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हमारे 70% मार्क्स हैं, हमारे 65% मार्क्स हैं, 75% मार्क्स हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है जर्मनी से मेडिसिन करना, क्योंकि हमारा 12th का फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव स्कोर चाहिए होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, करेक्ट? दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में आते हैं हम। स्टूडेंट को लीक वाला पॉइंट अभी है जो मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ओके? अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, जर्मन लैंग्वेज। जब भी आप जर्मनी जाते हैं आपको जर्मन लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका B1 मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ B2 मांगती हैं। तो हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, जो B1 मांग रही हैं वो भी और जो B2 मांग रही हैं वो भी। अब जर्मन लैंग्वेज में कितने लेवल्स होते हैं कुछ लोगों को पता होगा, जिनको पता है वो अपने कमेंट में फटाफट लिख दीजिए और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताती हूँ। तो जर्मन लैंग्वेज में A1, A2, B1, B2, C1, C2, बट हमें B1 कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए और B2 कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए। अगर आपको पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए B1 चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए B2 चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। वील जस्ट आंसर कि वो सही है या गलत है, ओके? ठीक है, अब हमें जर्मन लैंग्वेज चाहिए, हमें 12th का रिज़ल्ट चाहिए, क्लियर? अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं APS। जैसे ही आपका 12th रिज़ल्ट आ जाए या तब जब भी आप प्लान करो जर्मनी अप्लाई करने के लिए, सपोज़ आपका 12th एक साल पहले हो गया, जब भी आप प्लान करो कि ओके आई एम थिंकिंग टू गो टू जर्मनी, उस टाइम पे आपका 12th के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके APS में सबमिट कर दो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब 10th का रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट, जब तक आप APS में उसको नहीं सबमिट करोगे, APS सर्टिफिकेट आपका नहीं आ जाता जब तक आप यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते पब्लिक यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट आप वीज़ा के लिए भी फाइल नहीं कर सकते। अब हमारे APS के बाद हमें चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हम अप्लाई कैसे करें,
क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे अप्लाई करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको तीन बता दी। एक और रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन से पहले टेस्ट एएस, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास टेस्ट एएस है तो आप VFS में जा सकते हैं, अगर टेस्ट एएस नहीं है तो आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। ये टेस्ट एएस की रिक्वायरमेंट ना बार बार चेंज हो रही है, तो जर्मन गवर्नमेंट ने पिछले साल उसको कंपलसरी कर दिया, इस साल उसको कंपलसरी हटा दिया। तो जो बच्चे टेस्ट एएस दे सकते हैं, इट्स गुड कि आप दे दो। तो रिक्वायरमेंट्स हर साल इनकी चेंज हो जाती है वीज़ा के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग नहीं होती जनरली रिक्वायरमेंट्स चेंज। ठीक है, अब हमारी ये चार रिक्वायरमेंट्स हो गई, वी आर डन विद दिस होमवर्क। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन पे। जब हम अप्लाई करते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो पहला साल मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को करना होता है, जिसको हम बोलते हैं एम स्टूडेंट कोलीग। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B1 मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो B2 मांगती हैं। आपको इसके लिए गोएथे सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या टेल्क भी आपका चल जाएगा, और फिर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास एक इन्विटेशन आता है, ओके कम एंड अपीयर फॉर द पेपर। ये जर्मन यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि हाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई, आप आइए और हमारी यूनिवर्सिटी में आके एंट्रेंस पेपर दीजिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में B1 के बिहाफ पे होता है, कुछ में B2 के बिहाफ में होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफ नामा प्रफुंग। तो आप फिर जर्मनी जाते हैं, आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। जब आप अपना एग्ज़ाम दे देते हैं ऑफ नामा प्रफुंग का, फिर आपका मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है, नॉट मेडिसिन, एम स्टूडेंट कुलीग स्टार्ट हो जाता है। एम स्टूडेंट कुलीग फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर आपका सेकेंड ईयर मेडिसिन स्टार्ट होगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप एम स्टूडेंट कुलीग करते हैं तो आपको जर्मन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि एम स्टूडेंट को लीक करते हुए सारे मेडिकल टर्म्स आप इस स्टूडेंट को लीक में कर रहे होंगे। साथ के साथ मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस स्टूडेंट को लीक में पढ़ाया क्या जाएगा, तो आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए, आपको मैथ्स भी आनी चाहिए, आपको जर्मन भी आनी चाहिए। ठीक है, अब ऑफ नामा प्रफुंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 80% जर्मन, 20% मैथ्स। अब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पास तो मैथ्स है ही नहीं, तो कैसे करोगे आप, राइट? बट इतनी डिफ़िकल्ट मैथ्स नहीं होती, जो आपने फिज़िक्स किया है 10th और 12th में वही मैथ्स आती है। तो इसलिए जस्ट डोंट वरी कि हमारे पास मैथ्स नहीं है तो हम कैसे ये पेपर क्लियर करेंगे। ऑफ नामा में क्या क्या आता है वो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, डाल दूंगी, आप प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, जो ऑफ नामा के पेपर में जो जो आपको याद रखनी है चीज़ें, राइट? हमारी जो मेडिसिन है जर्मनी में वो 6 साल की होती है, फॉर 6 ईयर्स यू हैव टू स्टडी मेडिसिन। और रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई दी हैं, आपकी जब मेडिसिन हो जाती है यू कैन वर्क ओवर देयर, यू हैव अ लाइसेंस, अगर आप चाहो तो वहीं से आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। जर्मनी से मेडिसिन करने के बाद आप इंडिया भी आना चाहो तो इंडिया भी आ सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं है, ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्लाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है वहाँ पर। आपको सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, जो तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम तो मैं नहीं बोलूँगी, काफ़ी सारी सिटीज़ के लिए आपको ऑलमोस्ट 9 लाख्स भी लग सकता है, 10 लाख्स भी लग सकता है, बट 6-7 लाख रुपीज़ आपके एक एवरेज सिटी में आराम से ईयरली हो जाता है, मतलब 50-60,000 रुपीज़। बट अगर आप म्यूनिक में पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स इट विल बी लाइक 80,000 or 90,000, इट डिपेंड्स, ओके? बाकी मैं एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी जिसमें MBBS के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्लीज़ गो थ्रू इट। और अगर आपको कोई भी डाउट है जर्मनी में MBBS से रिलेटेड, MD से रिलेटेड, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर नर्सिंग इन हाउस बिल्डिंग, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल।